दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय नगर परिषद पांटा साहिब। पांटा साहिब के देवी नगर स्थित निजी अस्पताल पर फिर से लापरवाही का आरोप लगा है। इस बार अस्पताल में एक नवजात बच्चे की मौत हुई है, जिस पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए हंगामा कर तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक बद्रीपुर के गुरप्रीत सिंह ने अपनी पत्नी को देवी नगर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला ने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन सुबह बच्ची की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया। गौर हो कि एक माह पूर्व इसी अस्पताल में एक महिला की मौत पर भी खूब हंगामा हुआ था, जिसकी जांच अभी जारी है। पुलिस ने मृतक बच्ची के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल हम सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, जब दर्द हो रही थी इनके, तो सरकारी वालों ने बोल दिया था कि आप कहीं ले जाओ। तो जो थी मेवे मंडल की औरत ना, उसने बोला कि प्रियांशु में ले चलते हैं। वो कह रहे कि इसके पास अभी टाइम नहीं है, बच्चे का पैर बाहर आ गया है। अरे ऐसा कुछ नहीं था, हमने इनको बोला कि देहरादून हम लेके चल जाएंगे, हमें यहाँ पे करवाना नहीं। तो ये करे हम तुम्हारा करे ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे और हम गारंटी लेते हैं। तो इन्होंने रात जब तो इनसे पूछा, जब बच्चा हुआ तो इन्होंने बेबी जब बाहर दिया उस टाइम ठीक था, इनको जब वो नीलापन आ गया उसके ऊपर ना, बेबी के ऊपर, तो जी इनको मैंने डॉक्टर को बोला कि आप एक बार आके देख लो। इन्होंने देखा और इनको मैंने पूछा भी कि भाई हमारी बेटी ठीक नहीं है, इसको आके आप देख लो। वगैरह कहीं और ले जाते हैं, इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया कोई भी ना। तो रात भी इन्होंने पीन वगैरह करी, कोई रोने का रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं लड़की ने। और सुबह कह दिया कि पूरी होगी जी। ये तो बेकार हॉस्पिटल है, कोई जवाब ही नहीं देते, रिस्पॉन्स ही नहीं देते जी। ये तो यहाँ पे तो लेना ही बेकार है। आप लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है? हाँ जी, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बच्ची को पुलिस वाले ले गए हैं अभी पोस्टमार्टम के लिए। डॉक्टर कुछ कह देते ना, इसको हमारे पास करनी है, कहीं भी ले जाओ आप, तो आज हमारी बच्ची बची भी होती। तो आपको इनके प्रति गुस्सा है? गुस्सा तो है ही, जब इन्होंने डॉक्टरों ने कोई बताया नहीं, इन्होंने हाँ लापरवाही की, इन्होंने लापरवाही की, बच्चे को संभाला नहीं थी इन्होंने, देखभाल नहीं की। आज यही बच्चा है, यही बच्चा, मैं आपको यहीं आता, जो हमने बच्चा आज पाला है ना, इतना बड़ा है, वो हम कहीं भी ले जाते, कितना पैसा लगता हमारा, हम बच्ची को ले जाते हैं। यार कई तो कहते हैं जी लड़की है, मरने दो इसको, नहीं मारी तो लड़की लड़का है, हमने इतनी खुशी उसकी मानी। मेरे को फोन गया, मैंने कहा बेटी बहुत अच्छा लड़की होगी, बहुत अच्छी बात है, हमारे को बड़ी खुशी है बच्ची की, जितनी बच्ची बच्चियों खुशी वो देती है ना माँ बाप को खुशी, इतने लड़के भी नहीं देते हैं। देखो जी, जब इनको कार्रवाई तो होनी चाहिए, जब इनको इनको डॉक्टर को बताना चाहिए कि हमारे बस का नहीं है केस, ये आप फटाफट ले जाओ इसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। ये आपने पहले भी सुना ये चर्चा? मेरा पहले भी हाँ, एक चर्चा पहले भी, मैंने तो अभी सुनी, कहा वहाँ एक केस पहले भी हुआ, मेरी तो मेरी नौ थी जो छोटे वाली, कहे गलत ले गए वो। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पांवता साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद पांटा साहिब की ओर से 21 मार्च से 30 मार्च 2019 तक मनाए जा रहे होला मोहल्ला के पावन पर्व पर समस्त प्रदेश व पांटा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नगर परिषद पांटा साहिब स्थानीय जनता व मेले में आने वाले सभी लोगों से शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग के लिए अपील करती है।